हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को अपडेट जो देने वाला हूं, वो देने वाला हूं बेल्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर ज्वाइनिंग से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है बेल्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर की ज्वाइनिंग जो है देखने को मिल रही है, और यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का अभी भी ऑफर लेटर नहीं आ रहा है। इससे रिलेटेड मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि आप लोगों को जो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से दिया जाए उसका सीधा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग से रिलेटेड यहाँ पे अपडेट्स जो है देने वाला हूँ कि यहाँ पे जो है कौन कौन से विभाग में जो अभी भी सीट खाली हैं, किस तरह से उस पर अध्याचना जो है भेजे जाने हैं। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे पुलिस मुख्यालय CCTNS का देख लीजिए। यहाँ पे जो है बेल्ट्रॉन के निदेशक को यहाँ पे ये लेटर जारी किया गया है। इस कार्यालय में यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6/3/2021 के संदर्भ में यहाँ पे CCTS परियोजना के अंतर्गत विभिन्न जिलों और कार्यालय एवं इकाई में जो अब तक योगदान नहीं देने वाले डाटा इंटरप्रेटर की उम्मीदवारी बेल्ट्रॉन के पोर्टल से रद्द करने के संबंध में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है जैसा कि आप लोगों को पता है कि टोटल जो है यहाँ पे जितने भी CCTNS के पोस्ट थे उस पर जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग बेल्ट्रॉन के द्वारा करवानी थी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बेल्ट्रॉन से मांग की गई थी कुल संख्या 582 की, जो कि CCTNS पोस्ट के लिए थे, लेकिन बेल्ट्रॉन के द्वारा जो उपलब्ध कराई गई थी वह उसी 540 ही डाटा एंट्री ऑपरेटर जो यहाँ पे उपलब्ध कराई गई थी। अब यहाँ पे फिर से जो है टोटल यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब तक जो है योगदान नहीं देने जो ऑपरेटर जो योगदान नहीं दिए CCTNS के पोस्ट पे वो 39 हैं, और यहाँ पे जो है कार्यालय में योगदान जो दे दिए हैं और उनके जो ERP में कुल संख्या है वह 494 है। अभी भी 39 पोस्ट जो है यहाँ पे खाली हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी बेल्ट्रॉन के द्वारा जो है अगर इन सभी पदों पर जो है 39 पदों पर यहाँ पर जो है बहाली करवाई जाती है तो कहीं ना कहीं ये जो है काफ़ी सारे कैंडिडेट का यहाँ पे ज्वाइनिंग जो है हो जाएगा। अब हम बात करें यहाँ पे फ्रेंड से DPRO के, DPRO में भी आप लोगों का जो है जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि DPRO में जो है यहाँ पे टोटल अभी भी जो है DPRO में 1000 सीट जो है खाली हैं। आप लोगों का हम बात करें DPRO की तो DPRO में 1000 सीट कई टाइमों से खाली हैं और इस पर अभी भी अध्याचना नहीं आ रहे हैं। इससे पहले भी जो है खगड़िया जिला से 29 कैंडिडेट का यहाँ पे जो अध्याचना गया हुआ है, लेकिन बेल्ट्रॉन के द्वारा कोई भी ऑफर लेटर किसी भी डिपार्टमेंट का नहीं देखने को मिल रहा है। अब जो है आप फिर आप लोगों को कोई ना कोई आगे की रणनीति तय करनी होगी, ताकि आप लोगों के जो है ज्वाइनिंग, चाहे वो हम बात करें पंचायत पे दो दो ऑपरेटर की, या यहाँ पे जो है जो भी सीट खाली हैं कि जिस जिस डिपार्टमेंट में उस डिपार्टमेंट की या CCTNS की, तो कोई भी डिपार्टमेंट में जो बेल्ट्रॉन की तरफ से जो है पूरी संख्या में जो यहाँ पे डाटा इंटरप्रेटर नियुक्त नहीं करवाए जा रहे हैं। अब इसका क्या कारण हो सकता है आप लोग ही हमें बताइए, और आप लोग हमारे जो भी आप लोगों के मन में सवाल होंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, ताकि आप लोगों की ज्वाइनिंग जो है जल्द से जल्द करवाई जा सके। फ्रेंड्स, एक और बात कि आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, वहाँ से आप लोग जो है ग्रुप भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को वहाँ से भी पल पल के अपडेट मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मेरा बनाने का यही मकसद था कि जो भी रिक्त पद हैं उन सभी पदों पे जल्द से जल्द जो है किस तरह से नियुक्ति करवाई जाए, इसके लिए आप लोगों का क्या कहना है आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके। तो अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।